दैनी जेब में तरतीब बार डाली। सबक आपको तरतीब बार दो हिस्सों में सिखाया जाएगा। हिस्सा नंबर एक, बीड़ी का लगाना, यहाँ तक किसी साहबान को कोई शक सर शक नहीं, तो बाएं हाथ को सीधा तिरछा करते हो, बाएं जेब के अंदर जाने दे, बीड़ी के बंडल को दिखाएं, 25 आती है, 25 ही भर जाती है। निकालने का तरीका, बाएं हाथ का दाढ़े हाथ की कलमे वाली उंगली अंगूठे की मदद से काज को खड़े, बाएं हाथ कलमे वाली उंगली अंगूठे की मदद से बीड़ी को बाहर निकाले और सीधा मुंह के अंदर ले जाए। ध्यान रहे साहबान, बीड़ी 45 डिग्री में होनी चाहिए। हाथ को सीधा सीधा करते हुए दैनी जेब के अंदर ले जाए और दिया सराय की डिबिया कलमे वाली उंगली से इस प्रकार दिखाएं, 50 आती है, 50 ही भरी जाती है, लेकिन कंपनी का माल आगे पीछे। दैनी हाथ में इस प्रकार से पकड़े और दिया सराय की सराय को बाहर निकाला, कलमे वाली उंगली को अंगूठे की मदद से इस प्रकार पकड़े और दिया सराय की डिबिया के ऊपर दो बार इस पर रगड़े और धीरे धीरे नजदीक ले जाए। जब तक धुआं बीड़ी पूरी तरह से जल नहीं जाती, ध्यान रहे साहबान, दिया सड़ाई को फेंकने के बाद पैर से मसल जाए, नहीं तो आग लगने का अंदेशा। अभी आप साहबान, ये था बीड़ी का लगाना। अभी यहाँ एक कार्रवाई और देखे, अगर आपके पास साहबान, जब अब देखा इधर आप बीड़ी पी रहे थे तभी साहब आ गया। अभी मैं बताऊंगा पार्ट नंबर दो, पढ़ने वाली रोकों को दूर करना सिखाना है। ध्यान रहे साहबान, जब भी आपके पास बीड़ी का बंडल और माचिस हो और बीड़ी कम हो तो कभी भी पैंट की जेब में बीड़ी को ना डाला जाए, क्योंकि आपके उड़ते और बैठते बीड़ी टूट जाएगी और आपका नुकसान। रोग नंबर दो है बीड़ी का लगी हुई हालत में बुझ जाना। ध्यान रहे साहबान, जब आप बीड़ी पी रहे होते तो किसी से बातचीत ना करें, अगर जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बीड़ी बुझ जाएगी और बीड़ी में पड़ने वाली सबसे बड़ी रोग है ये। निकालने का तरीका, दाहिने हाथ कलमे वाली उंगली अंगूठे के मध्य से बीड़ी को आगे से काट कर इस प्रकार नीचे फेंके, दोबारा बीड़ी को 45 डिग्री में लगाए, बताए हुए तरीके से माचिस को बाहर निकाले और बीड़ी को दोबारा जलाए। समझ में आती है? ये था बीड़ी जब बुझ जाएगी। अब बीड़ी टूट गई तो क्या करेंगे सर? जब आपकी बीड़ी टूट गई है तो ध्यान रहे साहबान, जब आपने पेंट की